नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की सभी बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कुछ काम की उपयोगी खबरें निकल कर आ रही है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या पेटीएम कैश। तो आज की पहली खबर, लॉकडाउन हटने की कोई संभावना नहीं, सर्वदलीय मीटिंग में पीएम मोदी ने दिए ऐसे संकेत। जी हां दोस्तों, देश भर में फैली कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर स्थिति तकरीबन स्पष्ट है और इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लॉकडाउन को अभी न खत्म करने की ओर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा हालात को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को और भी सख्त बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री की इस मीटिंग का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें पीएम मोदी को यह कहते सुना जा सकता है कि देश में फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बातचीत में पीएम ने कहा कि मैं प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहा हूं और उनसे फीडबैक भी ले रहा हूं, और इसके अलावा मैंने जिन जिला अधिकारियों से बातचीत की है वे इस बात पर एकमत है कि लॉकडाउन को एक बार में हटाना सही नहीं होगा। और इसी के साथ में कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के संकेत दिए हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जिनकी पहचान कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट के रूप में की गई है। मुंबई के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मास्क पहनना, मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 15 जिलों में बहुत ही अधिक प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है। इनमें से कुछ इलाके नोएडा और गाजियाबाद के भी है। राजस्थान की सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि को खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से मंडियों को खोलने का फैसला किया है। इसके बाद अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी हो या प्राइवेट लैब, मुफ्त में होगी कोरोना की जांच। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मान्यता प्राप्त सरकारी या फिर प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में होगी और इसके लिए अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मान्यता प्राप्त सभी लैबों को मुफ्त में कोरोना जांच करने के निर्देश दे। कोरोना वायरस की जांच से जुड़ी एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए पैसे नहीं देने होंगे। अभी तक सरकार ने 4,500 रुपए इसका रेट तय करके रखा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में लोगों के सामने पैसे की भी किल्लत है। ऐसे में कोरोना की जाँच के लिए ली जाने वाली रकम के कारण लोग इसका टेस्ट करवाने से बचेंगे और फिर इस कारण से यह महामारी और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे कोरोना का टेस्ट फ्री में करवाए। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में बिना मास्क पहने निकलना पड़ेगा महंगा, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त फैसले ले रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने नाक और मुंह ढकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क की जगह पर गमछा, रुमाल या दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मास्क पहने बिना बाहर निकलने पर लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूपी, दिल्ली, मुंबई समेत इन इलाकों में भी मास्क पहनना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई, ठाणे और पुणे में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा है कि यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप घर पर बनाए हुए मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुंह ढकना और नाक ढकना अनिवार्य है। अगली खबर है बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम उरानी भी निकले कोरोना के पॉजिटिव, अस्पताल में किया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में तो आपने देखी होगी और इन फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर करीम उरानी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। करीम उरानी की दोनों बेटियां जोया मुरानी और साजा मुरानी पहले से ही कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाई जा चुकी है। दोनों बेटियों के पॉजिटिव आने के बाद प्रोड्यूसर का भी टेस्ट किया गया था, जिसमें वे भी पॉजिटिव पाए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद करीम उरानी को भी इलाज के लिए मुंबई के नानाबटी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अगली खबर है पैसे निकालने के लिए नहीं जाना होगा बाहर, एटीएम खुद आएगा आपके पास, एचडीएफसी की पहल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे निकालने के लिए एटीएम तक जाना इस दौरान काफी मुश्किल हो चुका है और इसी बीच एचडीएफसी बैंक ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने मोबाइल एटीएम मशीनें सड़क पर उतारी है।
और इनकी मदद से लोगों को एटीएम तक जाने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा बल्कि एटीएम खुद चलकर उनके पास आएगा। मोबाइल एटीएम की सुविधा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में चलेगी। फिलहाल नोएडा और मुंबई में ये सेवा एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है और बाकी देश के राज्यों में भी जल्दी ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर है कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज रोकने के लिए व्हाट्सएप का बड़ा कदम, तय की मैसेज फॉरवर्ड करने की लिमिट। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से जुड़ी फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए फॉरवर्ड मैसेज की लिमिट तय कर दी है। ऐसे में यूजर अब किसी भी मैसेज को एक बार में सिर्फ एक ही यूजर को फॉरवर्ड कर सकेंगे। इससे पहले तक किसी भी मैसेज को एक बार में 5 लोगों को फॉरवर्ड करने की सुविधा मिलती थी, जिसकी लिमिट को अब घटाकर 1 कर दिया गया है। अगली खबर है लॉकडाउन चाहे खुले या नहीं, 15 मई तक बंद रह सकती है स्कूल कॉलेज समेत ये जगह। जी हां दोस्तों, कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो यह इशारा कर दिया है कि लॉकडाउन को तुरंत ही नहीं खोला जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं इसका फैसला तो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार का सोचना यह है कि स्कूल और कॉलेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर जून के अंत तक बंद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले GOM में यह तय किया गया है कि धार्मिक केंद्रों, शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थाओं को 14 अप्रैल के बाद कम से कम 4 सप्ताह तक सामान्य गतिविधि से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी कि सरकार ने यह साफ इशारा कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के धार्मिक स्थलों को मिलाकर, सभी तरह के शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक स्थलों को मिलाकर, इनको जो है लॉकडाउन के बाद भी पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी। अगली खबर है मध्य प्रदेश में 21 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा सकती है छूट, सभी स्कूल कॉलेज जून में ही खुलने के आसार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश MP की सरकार 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 21 दिन और भी बढ़ा सकती है और इस दौरान ग्रामीण इलाकों में किसानों को कुछ शर्तों के साथ में छूट दी जा सकती है। प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाएं 15 मई तक बंद रहेगी। लोगों को किसी भी बात की परेशानी न हो इसलिए सरकार ने ESMA यानी कि अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को लागू कर दिया है और इस कानून के तहत लोगों को उनकी जरूरत की हर वस्तु उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। अगली खबर है लॉकडाउन के दौरान इस शहर में वाहनों के उपयोग पर लगी रोक, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान वाहनों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी और इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने भी लॉकडाउन के दौरान वाहनों के प्रयोग पर पाबंदी की घोषणा कर दी है। पुलिस के इस आदेश में केवल उन्हीं वाहनों को छूट दी जाएगी जो कि सरकारी और जरूरी सेवाओं जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस या फिर खाद्य सामग्री आपूर्ति से जुड़े होंगे। अगली खबर है ओडिशा ने 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। जी हां दोस्तों, ओडिशा की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। देशव्यापी 21 दिनों के लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही ओडिशा की सरकार ने कोरोना लॉकडाउन को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। अगली खबर है दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना, चीन के लिए फिर बना मुसीबत, 63 नए मामले सामने आए। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने वहां जमकर तबाही मचाई और अब दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है। और इसके बाद चीन में कोरोना के खत्म होने की खबरें आई थी, लेकिन ताजा हाल ही में चीन में कोरोना वायरस के 63 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 61 मामले दूसरे देशों से चीन में आए लोगों के है। अगली खबर है कोरोना वायरस से अमेरिका में 2 दिन में 4,000 लोगों की मौत, अब तक 14,000 से ज्यादा की गई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को भी पस्त कर दिया है। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन करीब 2,000 लोगों की मौतें हो गई। अमेरिका में केवल 2 दिन के अंदर ही करीब 4,000 लोगों की मौतें कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हो चुकी है और अब तक 14,695 लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर है ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तुलना बजरंग बली से की, तारीफ में कही ये सारी बातें। जी हां दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बजरंग बली हनुमान से की। पीएम मोदी की बजरंग बली हनुमान से तुलना करते हुए बोल्सोनारो ने इस बात का उल्लेख किया कि बजरंग बली हिमालय से श्री राम के भाई लक्ष्मण के लिए जिस तरह से संजीवनी बूटी लाए थे उसी तरह से उन्होंने भी उनकी जान बचाई है। बता दें कि ब्राजील ने पहले ही भारत को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मेडिकल के इक्विपमेंट और जरूरी दवाइयां भेजने के लिए अनुरोध करके रखा था, जो कि भारत भेज भी रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपने देश में भी कोरोना संक्रमण से निपट रहा है और लोगों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। और इसी के साथ में भारत, अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया के जो देश कोरोना से जूझ रहे हैं उनकी मदद भी कर रहा है और यही वजह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से तारीफें मिल रही है। अगली खबर है रेलवे ने मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत, कहा 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने उन सभी मीडिया
मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर है, जब तक कोरोना पर काबू नहीं यात्री उड़ानें संभव नहीं, हरदीप सिंह पुरी। जी हां मित्रों, कोरोना वायरस की वजह से एयर इंडिया ने पहले ही 30 अप्रैल तक की बुकिंग नहीं लेने का ऐलान किया है, तो वहीं इंडिगो ने भी दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को 30 अप्रैल तक के लिए कैंसिल कर दिया है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर लिखा, देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई है और इससे यात्रियों को परेशानी भी हुई है। मैं मुश्किल की इस घड़ी में उनके सहयोग और मदद के लिए धन्यवाद देता हूं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक एडवांस बुकिंग पर रोक लगाई थी। तो ऐसे में हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जब तक कोरोना के ऊपर काबू नहीं पाया जाता, तब तक यात्री उड़ानें संभव नहीं हो पाएगी। अगली खबर है, पालतू जानवरों से नहीं फैलता कोरोना, WHO बोला इंसान न करे उनसे दुर्व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि घरों में रहने वाले पालतू जानवरों से ही कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण का अब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। चलिए तो अब तक की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले देश और दुनिया की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी।